You're watching Priyansh AgroTech. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon for latest update. डिस्कशन करने वाले हैं तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी उसके अंदर क्या क्या होगा, तो एग्रीकल्चर जो जनरल एग्रीकल्चर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे, नॉन फूड क्रॉप्स ऐसी फसलें हैं जो नॉन फूड्स होती हैं जिनको खाद्यान्न रूप में नहीं यूज़ किया जाता वो फसलें, सॉयल यानी मृदा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, सॉइल डिग्रेडेशन यानी मृदा क्षरण जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज और सब्सटेंस एग्रीकल्चर यानी प्रारंभिक गतिविधियां कौन कौन सी है और सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या है, सब्सटेंस आधारित कृषि क्या है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों ये सब्जेक्ट आप सबको सभी एग्जाम्स में और सभी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए इन वीडियोज को देखना जरूर देखें और इन वीडियोस को देखना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे और बिना देर किए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। जैसे कि हम आपको कंटेंट में बता चुके हैं कि आज का हमारा पहला टॉपिक जो है एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज वो होते हैं इंक्लूड ऑल दोस कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिनमें सभी प्राकृतिक स्रोत शामिल होते हैं, साथ ही साथ इनसे उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाता है। दूसरी आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को प्रोसेस करना, इन रिसोर्सेज को परिवर्तित करना और रिसोर्सेज से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना। अगली चीज आती है एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर जो है एक तरह की प्राइमरी यानी प्रारंभिक गतिविधि है, इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्रारंभिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत फसलों को उगाया जाता है, फ्रूट्स को उगाया जाता है, फलों को उगाया जाता है, सब्जियों को उगाया जाता है, फ्लावर्स को उगाया जाता है, साथ ही साथ पशुओं का पालन भी किया जाता है, तो ये एग्रीकल्चर कहलाता है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन आर नोन एज एरेबल लैंड, ऐसी जमीन जहां पर फसलों को उगाया जाता है या सब्जी को उगाया जाता है वो जो है एरियाबल लैंड या उपयोगी जमीन कहलाती है। सेरिकल्चर क्या है, तो कमर्शियल स्केल पर सिल्क वॉर्म्स को उगाना यानी रेशम कीट पालन करना, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट को जब व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाया जाता है या उनको जब पाला जाता है तो उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। इट मे सप्लाई द इनकम ऑफ द फार्मर्स, ये क्या करते हैं, तो किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ साथ ये किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने का काम भी करते हैं। दूसरी चीज एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर क्या है, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि कृषि की परिभाषा क्या है, कृषि की परिभाषा बताइए, तो कृषि क्या है, कृषि एक तरह का विज्ञान और कला दोनों का संगम है। एग्रीकल्चर इज साइंस एंड आर्ट बोथ, कृषि जो है साइंस और आर्ट दोनों है, विज्ञान और कला दोनों का ही संगम है। इसके अंदर क्या जाता है, तो कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल पर कल्टीवेशन किया जाता है यानी फसलों को उगाया जाता है, फसलों को उगाने के साथ साथ लाइफ स्टॉक को पाला जाता है यानी पशुपालन किया जाता है और साथ के साथ इसको एग्रीकल्चर या फार्मिंग का नाम दिया जाता है। अगला आता है पिसीकल्चर, पिसीकल्चर क्या है, ब्रीडिंग ऑफ फिश एंड स्पेशली कंसर्न टैंक एंड पॉन्ड्स, मछलियों को विभिन्न तालाबों में और विभिन्न टैंक्स में उगाना, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उनको पालना, उनकी केयरिंग करना पिसीकल्चर कहलाता है, या आपको कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। विटीकल्चर, तो विटीकल्चर क्या है, तो विटीकल्चर ग्रेप क्रॉप्स यानी कि अंगूर की फसलों को, अंगूर को उगाने की प्रक्रिया को विटीकल्चर कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर अंगूर के उगाने की विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन
किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक और एग्रीकल्चर की ब्रांच है। तो एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर क्या है, तो ग्रोइंग वेजिटेबल फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ कमर्शियल यूज। फसलों के साथ साथ वेजिटेबल्स को उगाना, फ्रूट्स को उगाना, फ्रूट्स के साथ साथ में फ्लावर्स को उगाना, ये सारी चीजें जो है कमर्शियल स्केल पर जब की जाती है तो उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर की मुख्य ब्रांच की अगर मैं बात करूं, मुख्य शाखाओं की अगर बात करूं, तो फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प उत्पादन, पोमोलॉजी यानी कि फूड प्रोडक्शन यानी फल उत्पादन, और ओलेरिकल्चर यानी कि सब्जी उत्पादन। तो इनको जब कमर्शियल स्केल पर किया जाता है तो ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कितने टाइप की होती है, तो दीज आर सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो कुछ ऐसे फार्मिंग्स हैं जो सब्सटेंस फार्मिंग है, जिनने उत्पादन को निर्धारित और एक उच्च स्तर पर बनाया है, और ये जो है कमर्शियल फार्मिंग के रूप में भी जाने जाते हैं। तो दूसरे पॉइंट जो जानने वाला है पहले चीज कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग में पहला टाइप होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्यूअर एंड मटेरियल्स पेस्टिसाइड आर यूज इंसेक्ट और केमिकल, नो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन इन इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत सभी रासायनिक चीजों का उपयोग नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर नहीं किया जाता है। इस फार्मिंग के अंदर सारी की सारी जो है जैविक चीजों का उपयोग किया जाता है। इट ओनली यूज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट चीज आता है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। अब इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, तो द फार्मर कल्टीवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ऐसे जमीन जो कि छोटा सा एरिया है वहां पर किसान ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को यूटिलाइज करके सब्सटेंस फार्मिंग करता है, यानी किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए फार्मिंग करता है, तो वो इंटेंस सब्सटेंस एग्रीकल्चर कहलाती है। प्राइमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नॉनमैडिक हैंडलिंग हेरिडिंग। तो आपने शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में सुना ही होगा। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को जूम कल्टिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्यतः झारखंड और झारखंड के आसपास के राज्यों में पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, तो जंगल का एक विशेष एरिया सेलेक्ट किया जाता है, चयन किया जाता है, और वहाँ पर पेड़ों को काटकर जमीन को साफ करके लगातार कई वर्षों तक एक ही प्रकार की खेती की जाती है। तो उसको पुनः दूसरे स्थान पर जब यही प्रक्रिया दोहराई जाती है तो उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन का नाम दिया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अम्ला मैक्सिको, रोका ब्राजील, लैंडिंग मलेशिया, इन जगहों पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज आती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकी फॉरेस्ट एरिया ऑफ द अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ल्ड के, विश्व के विभिन्न जगहों पर अपनाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ईस्ट इंडिया, मैक्सिको, रोका, ब्राजील, लैंडिंग, मलेशिया जैसे कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इनको ज्यादातर देखा जाता है इस तरह की खेती को। दूसरा आता है नॉमेडिक शेडिंग, इस प्रैक्टिस इज द सेमी अराइड एंड रीजंस ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सब पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। ऐसी जगह जहां पर साधन आधारित कृषि की जाती है उसको नोमेडिक ट्रेडिंग कहा जाता है। हेडसेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स ऑफ फॉडर एंड वाटर। ऐसे लोग जो अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं उनको जो है हेड्समैन कहा जाता है। HERDSMEN हेड्समैन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, तो कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत किसान जो है किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए फसलों को उगाता है तो वो कमर्शियल फार्मिंग कहलाती है। इसी का अगला पोर्शन अगर हम देखें तो मेजर एरियाज, मेजर एरियाज कौन कौन से हैं। मेजर एरियाज में आपको मैं बता दूं दोस्तों,
वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर सजेस्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, साथ ही साथ अपने कृषि संबंधी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे पहले सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन। तो मेजर एरियाज की हम बात कर लेते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, सब राइट्स रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोइंग रीजन एंड ओनली अ सिंपल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, मैक्सिकल फार्मिंग, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, इन एरियाज में सबसे ज्यादा जो है ये चीजें की जाती हैं। प्रैक्टिसिंग इन यूरोप, कहां-कहां पर प्रैक्टिस होती है, तो यूरोप, ईस्टर्न यूएस, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अमेरिका। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, काजू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशन क्या है, तो प्लांटेशन एक ऐसा माध्यम है या मीडियम है जिस पर सिंगल क्रॉप्स ज्यादातर उगाए जाते हैं और कमर्शियल फार्मिंग के पर्पज से उगाए जाते हैं। तो क्या क्या उगाया जाता है इसमें, टी, कॉफी, शुगर केन, कैजू, रबर, बनाना और कॉटन। इसी एरिया में अगर बात करें, फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा चीजें जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाती हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक नजर डालें, रबर जो कि मलेशिया में पाया जाता है सबसे ज्यादा, कॉफी जो कि ब्राजील में पाई जाती है, टी जो कि इंडिया एंड श्रीलंका में सबसे ज्यादा होती है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। आइए कुछ फसलों पे बात कर लेते हैं, कुछ फसलों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली दूसरी जो बड़ी क्रॉप है वो है राइस। तो राइस के बारे में जान लें, राइस इज द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली खाद्यान्न फसलों को अगर देखें तो उसमें राइस आता है। डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ये सबसे ज्यादा खाद्यान्न में उपयोग भी किया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में ज्यादातर ये उपयोग में लाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, इस क्रॉप को सबसे ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर की जरूरत भी है, नमी की जरूरत भी है और पानी की भी आवश्यकता है। दूसरी जानने वाली चीज है कि ओवरवेट एंड एलिवल क्ले सॉयल विच कैन रिटेन वाटर, ये क्ले सॉयल में आसानी से उगाया जा सकता है, साथ ही आप एलिवियल सॉइल में भी इसको आसानी से उगा सकते हैं। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चाइना का सर्वाधिक उत्पादन है चावल क्षेत्र में, चावल के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि कौन सा देश सर्वाधिक मात्रा में चावल उत्पादन करता है, तो चाइना प्रथम स्थान पर है, इंडिया द्वितीय स्थान पर है, जापान तृतीय स्थान पर है और श्रीलंका चतुर्थ और इजिप्ट पांचवें स्थान पर है। इसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली फसल की अगर मैं बात करूं तो वीट आता है, गेहूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं ट्रिटिकम एस्टिगम इसका बॉटनिकल नेम है। तो रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, फसल लगाने के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, रेनफॉल एंडिंग के ड्यूरेशन में लगाया जाता है। तीसरी चीज, जब फसल पकने वाली हो या फसल के पकने का समय हो तो उस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा मात्रा में सनलाइट की आवश्यकता होती है। दोस्तों हमारे यहाँ पर गेहूं जो है वो रबी सीजन में सर्वाधिक मात्रा में लगाया जाता है, भारत हो या मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं की खेती जो है रबी सीजन में की जाती है। दूसरी जानने वाली चीज है कि थ्रिप्स, गैस इन ब्रेन ड्रेन, लोमी सॉइल, सबसे ज्यादा जो है ये लोमी सॉइल में अच्छे रिजल्ट देता है। दूसरी चीज, ग्रोन एक्सट्रीमली इन, सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाया जाता है, तो आप देख पा रहे हैं यूएसए, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, यूएसए, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इज ग्रोन इन विंटर सीजन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था रबी सीजन विंटर सीजन में ये जो है सर्वाधिक मात्रा में देखा जाता है। हैवी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल,
कब जल की आवश्यकता होती है, कब बारिश की आवश्यकता होती है, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्यूट रेनफॉल, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी परिवर्तित तापमान की आवश्यकता होती है इसे। कॉर्म, क्या आप जानते हैं, मेज को कॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मेज और कॉर्म में एक बहुत बड़ा फर्क बता दूं, मेज जो होती है वो दानों को कहा जाता है और कॉर्म जो है वो पूरे भुट्टे को कहा जाता है, पूरे फल को कहा जाता है। वेरियस कलरफुल वैरायटीज ऑफ आर मेज आर फाउंड इन अक्रॉस द वर्ल्ड। मेज की बहुत सारी कलरफुल जातियां हैं, बहुत सारे कलरों में ये उपलब्ध है और ये पूरे वर्ल्ड में, विश्व में पाई जाती है। मेज को भी मॉडरेट जलवायु की यानी परिवर्तित जलवायु की, परिवर्तनशील जलवायु की आवश्यकता होती है और टेम्परेचर रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, गेहूं के जैसे इसके भी नेचर है। दूसरी चीज, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, अच्छी उर्वरक भूमि की जरूरत है। मेज कहाँ कहाँ पे उगाए जाते हैं, मक्का कहाँ कहाँ पे उगाए जाते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको, इन जगहों पर मेज को उगाया जाता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल फसल आती है वो है कॉटन। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, कॉटन को ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, लाइट और रेनफॉल दोनों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन ऑफ इट्स ग्रोथ। 200 दिनों की में फ्रॉस्ट फ्री यानी कि पाला फ्री जलवायु की आवश्यकता है, साथ ही साथ इतने ही दिनों का ब्राइट सनशाइन लाइट भी चाहिए, यानी खुला तापमान और उच्च तापमान की आवश्यकता है। कितने दिनों के लिए? 200 दिनों के लिए। ग्रोस बेस्ट ऑफ ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी और एलुवियल सॉइल में इसको उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है? तो ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। किन जगहों पर उगाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो है चाइना, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ये कंट्रीज जो है सबसे ज्यादा मात्रा में कॉटन को उगाती है। एक बात और जान लें, भारत में सर्वाधिक कॉटन जो है, सबसे ज्यादा कॉटन या कपास जो है वो गुजरात में उगाए जाते हैं। जूट अगली जो क्रॉप आती है, जूट, जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, यानी गोल्डन रेशे के रूप में जाना जाता है। ग्रो वेल ऑन एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा जो है एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है। हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी जानने वाली बात जो है वो ये कि इसको हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है। किन देशों में उगाई जाती है? तो इंडिया, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मात्रा में जूट का जो है कल्टीवेशन होता है। दूसरा कमर्शियल क्रॉप की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो दूसरी कमर्शियल क्रॉप जो है कॉफी है। कॉफी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। कॉफी को जो है वो उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ जो है नम एलुवियल जमीन की या नम एलुवियल भूमि की आवश्यकता होती है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। कॉफी की क्रॉप अगर आप उगाना चाह रहे हैं तो हिल साइड एरियाज यानी पहाड़ी क्षेत्रों में आप ज्यादातर जो है वो आसानी से उगा सकते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? तो ब्राजील जो है, ब्राजील में सबसे ज्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कोलंबिया एंड इंडिया, कोलंबिया और भारत में कॉफी की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। अगली जो कमर्शियल क्रॉप है हमारी, सबसे ज्यादा कमर्शियल क्रॉप जो है वो है टी यानी चाय। टी इज बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। ट्री जो है एक तरह की बेवरेज यानी पेय पदार्थ वाली फसल है और इसको प्लांटेशन के जरिए यानी कि इसके पौधों को लगाया जाता है, रोपे तैयार किए जाते हैं। इसको ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट हाई रेनफॉल एरिया जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है वहां पर इनको उगाया जाता है। दूसरी चीज जो है ड्रॉट और द ईयर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इट्स लीडर लीव्स, इट नीड वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। इसको स्लोप वाली जगहों पर यानी निचली जगहों पर आसानी से लगाया जा सकता है, साथ ही साथ इसको अत्यधिक मात्रा में बारिश की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज लेबर इन लार्ज नंबर इट रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स।
इसकी पत्तियों को चुनने के लिए लेबर्स की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी पत्तियां चुनी जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? तो केन्या प्रथम स्थान पर, इंडिया द्वितीय स्थान पर, चाइना तृतीय स्थान पर, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस देश में सर्वाधिक उच्च किस्म की टी या चाय उगाई जाती है, तो दोस्तों कहाँ पर उगाई जाती है? श्रीलंका में। श्रीलंका में सबसे उच्च गुणवत्ता वाली चाय जो है वो उगाई जाती है। भारत का चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये टॉपिक इसी के साथ शुरू होता है। इसी श्रृंखला का अगला टॉपिक जो है मैं बहुत जल्द आपके बीच में लेके आने वाला हूँ। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को ऐसे ही प्रमोट करते रहिए। धन्यवाद।